ऐसी कुछ बातें जिनका जवाब साइंस भी नहीं दे सकता। कहा जाता है हर सवाल का जवाब साइंस के पास है, लेकिन क्या सच में है? कुछ तथ्य है जिनका जवाब साइंस भी आसानी से नहीं दे पाएगा। सवाल नंबर एक, हम सोते क्यों है? ये तो हर कोई करता ही है, चाहे वो मार्शमेलो के तकिए पर सोए 10 घंटे सोए या कुर्सी पर 10 मिनट तक सोए, सोता तो हर कोई है। ये सिर्फ हम ही नहीं जो सोते हैं। आपने तो देखा ही होगा कि एक कुत्ता जो हमेशा आपके सामने गालीचा दबाकर सोता है, लेकिन नींद आती क्यों है? साइंटिस्ट कहते हैं कि दिमाग को लंबे दिन के बाद आराम की जरूरत होती है। हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। साइंटिस्ट ने जीन म्यूटेशन की खोज की है जो व्यक्ति को सिर्फ 2 घंटे सोने की इजाजत देता है और पूरी तरह से ठीक रखता है। सवाल नंबर दो, हम सपने क्यों देखते हैं? कई बार आप देखते हैं कि आप सपने में गिरते ही रहते हैं और उसका कोई एंड ही नहीं होता। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो कुछ ज्यादा ही रियलिस्टिक लगती है, लेकिन सपने आते क्यों है? सच तो ये है कि हम नहीं जानते। वैज्ञानिक मानते हैं कि सपने आपको समस्याओं का हल बताते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका कोई भी मतलब ही नहीं होता। सवाल नंबर तीन, बिल्लियाँ म्याऊं म्याऊं क्यों करती है? आप ये महसूस करना बंद कर सकते हैं कि बिल्लियाँ सिर्फ आपके लिए म्याऊं म्याऊं करती है। बिल्ली के गले में गड़गड़ाहट वाला कोई ऑर्गन नहीं है, और हम अभी बिल्ली की शारीरिक रचना में इसके एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में निश्चित नहीं है। वैज्ञानिकों का कहना है कि गले को कसना और फैलाव के कारण ऐसा होता है। इसके अलावा बिल्लियां न सिर्फ खुश होने पर म्याऊं म्याऊं करती है, बल्कि तब भी करती है जब वो कुछ खाती है। सवाल नंबर चार, पंछी माइग्रेशन कैसे करते हैं? पंछियों की कई प्रजातियां अपने अंडे देने या सर्दियों से बचने के लिए लंबी दूरी तय करते हैं, लेकिन पंछी नेविगेट कैसे करते हैं? पंछियों को डायरेक्शन का पता कैसे चलता है? साइंटिस्ट का मानना है कि पंछी नेविगेट करने के लिए सितारों या पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं। पंछियों के लिए किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना बिना किसी मैप या नेविगेशन के कैसे पॉसिबल है? सवाल नंबर पाँच, प्लेसिबो इफेक्ट क्या है? इंसानी दिमाग किसी भी दवा से शक्तिशाली है। जब तक आप किसी भी गोली के असर की उम्मीद करते हैं, तब तक वह असर करती है, भले ही उस गोली में चीनी के अलावा कुछ और ना हो। इंसानी दिमाग बहुत ही शक्तिशाली है, और अभी तक ये पूरी तरह से समझा नहीं गया है कि दिमाग काम कैसे करता है। जिन चीजों को डिफाइन नहीं किया जा सकता, उसमें से है एक प्लेसिबो इफेक्ट, जो न सिर्फ गोलियों के लिए काम करता है बल्कि सर्जरी के लिए भी काम करता है। ये पता चला है कि साइंटिस्ट श्योर नहीं है कि पैरासिटामोल काम कैसे करता है। सवाल नंबर छह, अगर आप ये सोचते हैं कि न्यूटन ने ग्रेविटी के प्रश्न को सुलझा लिया है, तो ये सुनिए, गुरुत्वाकर्षण अविकसनशील रूप से कमजोर और मजबूत दोनों है, पूरे ब्रह्मांड को एक साथ रखता है, जबकि वो 2 मैग्नेट्स को एक साथ लाने वाले फोर्स से 10^36 गुना कमजोर भी होता है। इसके अलावा एक बार जब आप मॉलिक्यूलर लेवल पर उतर जाते हैं, तो ग्रेविटेशन गायब हो जाता है।